आचार्य जी, यहाँ आने से पहले मेरे को लगता था कि मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, ओशो सुनता हूँ और काफ़ी समय से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके लग रहा है कि मैं कंपनसेट करता था अपनी कमियों को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। ये ऐसी सी बात है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आए, मेडिकल रिपोर्ट आए और उसमें लिखा हो कि तुम में मिनरल की कमी है, विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, खून की कमी है, तुम ठीक भोजन नहीं खा रहे हो तो तुम्हारे तंत्र में इन सब चीज़ों की कमी है। और तुम उस मेडिकल रिपोर्ट को ही खा जाओ। मेडिकल रिपोर्ट तुम्हें बताने आई थी कि कुछ और खाओ, ये थोड़ी कि रिपोर्ट को ही खा गए। इसी तरीके से अध्यात्म तुम्हें बताता है कि जीवन में कुछ कमी है, ये थोड़ी कि तुमने अध्यात्म का ही इस्तेमाल कर लिया उस कमी को भरने के लिए। अध्यात्म तुमको बता रहा है कि तुम तन से मन से दुर्बल हो, तुम दूसरों पर आश्रित हो, और पता चला कि तुम अध्यात्म पर ही आश्रित हो गए। अध्यात्म अपने आप में कोई अलग जीवन नहीं होता है, जो जीवन तुम जी रहे हो उसी को सुधारने का नाम अध्यात्म है। ये थोड़ी कि जो जीवन चल रहा है वो चल ही रहा है और अध्यात्म के नाम पर एक समानांतर पैरेलल जीवन शुरू कर दिया। कि जो गड़बड़ थी वो तो गड़बड़ बनी हुई है, किया क्या कि हम अब पठन पाठन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। जो गड़बड़ कर रहे हो पहले वो रोको ना, कुछ नया बाद में करना। अब ये गाड़ी चली जा रही है, इसको ब्रेक मारना है, एक्सीलेटर पर पांव पूरा दबा रखा है, क्लच से पांव उठा करके ब्रेक पे भी दाब दिया, रुकेगी गाड़ी? तो इसीलिए ब्रेक और एक्सीलरेटर हमेशा एक पांव से चलाए जाते हैं, ताकि जब तुम ब्रेक दबाओ तब एक्सीलरेटर छोड़ दो। ये थोड़े ही कि उधर एक्सीलरेटर दबा हुआ है और इधर ब्रेक भी दाब दिया, कि जो चल रहा है वो तो चलता रहे, साथ में कुछ और कर लो। गाड़ी जैसी चल रही है वो चलती रहे, जितना आरपीएम है वो बना रहे, और साथ में ब्रेक भी दाब दो। बहुत सारे लोग अध्यात्म का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं, जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, कहते हैं साथ में कुछ और भी कर लो। अरे भाई, जब एक्सेलरेटर दबा ही रखा है तो फिर ब्रेक दबाना बेवकूफ़ी हुई ना, कितनी सफलता मिलेगी? और जो सफलता मिलेगी भी वो आंतरिक रूप से बड़ा द्वंद देकर मिलेगी। ब्रेक दबाने से पहले एक्सीलरेटर छोड़ना पड़ता है ना। हम बहुत लोग यही गलती कर जाते हैं, एक्सीलरेटर दबाए रहते हैं और साथ में ब्रेक भी दबा रहे हैं। यह ऐसी सी बात है कि कोई तुम बर्तन ले लो, भगवाना इत्यादि, नीचे से तुम उसको आग दिए जा रहे हो और ऊपर से ढक्कन। क्या होगा? द्वंद, विस्फोट, और क्या?
सबसे पहले तो आग बुझाओ, ढक्कन इत्यादि, फिर अगर नहीं भी लगाए तो काम चल जाएगा। लेकिन आग बुझाना आदत तोड़ने की बात है, क्योंकि जीवन भर आग ही लगी रही है। तो अध्यात्म के बाजार में तुम्हें सस्ते तरीके बता दिए जाते हैं कि आग तो लगी रहे और धुआं न प्रकट हो, इसके लिए ढक्कन लगा दो। ये तरीके कुछ दिनों तक चलेंगे, फिर विस्फोट होगा। और मैं कहता हूँ ढक्कन लगाओ न लगाओ, आग बुझाओ भाई। जब आग ही नहीं होगी तो ढक्कन की आवश्यकता क्या? और तुम्हें बड़ा मोह है ढक्कनों से, तो फिर लगा लेना। मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन आग का बुझना पहले ज़रूरी है।